सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का गिलास और बनाना सिखाऊंगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पर्सनल में एडिटिंग सीखना चाहते हैं, कोई भी आप लोगों को चीज़ चाहिए, PSCC ऐप चाहिए, फोन चाहिए, तो आप लोगों ने मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। काफ़ी लोगों ने, कुछ गर्ल एंड बॉय ने कहा कि भाई हम आपसे रब्ता करना चाहते हैं, पर्सनल एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, तो इस व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब देने की भी कोशिश करूँगा। और जो पर्सनल में मुझसे एडिटिंग सीखना चाहता है वो भाई व्हाट्सएप पे आ जाए, चाहे गर्ल है या बॉय, इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल A to Z एडिटिंग सिखाई जाएगी और आप लोगों की हेल्प भी की जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सलैब ऐप को ओपन करना है और सिंपली जहां पे आप लोगों ने कोई भी नेम टाइप कर देना है, तो यहां पे मैंने ये नेम टाइप कर दिया, ओके कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, AB वाले ऑप्शन में आ जाना है और रिसेंट मैंने, क्योंकि यहां पर मैंने ये वाला फॉन्ट यूज किया, और साइज इसका इंक्रीज कर देना है। फिर आप लोगों ने करना है पैडिंग करनी है, लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग, ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने करना है स्पेसिंग वाले ऑप्शन में आकर तकरीबन 5 पॉइंट तक स्पेस दे लेनी है। फिर आप लोगों ने करना है शेप में आना है, शेप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये हार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोगों ने करना है यहाँ पे स्ट्रोक को सिलेक्ट करना है और फिर आप लोगों ने यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देना है, 5 पे रखना है, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने करना है इसको बिल्कुल संभाल करके ऐसे, ठीक हो गया। इसको आप लोगों ने बीचों बीच मिडिल में एडजस्टमेंट कर देना है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको लगा लेता हूँ। एंड यहाँ पे सारे बार्ड भी मैंने लगा लिया। अब आप लोगों ने करना है यहाँ पे आना है और इसको मर्ज डाउन कर देना है, ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आप लोगों ने यहाँ पे आना है और इसको ओके कर देना है। फिर आप लोगों ने अरेज कलर वाले ऑप्शन, मैंने इसको अनेबल कर देना है, 1 पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ले आना और ओके कर देना, टॉलीडेंस इसकी फॉलो कर देनी। अब आप लोगों ने इसका बैकग्राउंड यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देना है। फिर आप लोगों ने कार्ड में आना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करके आप लोगों ने इसको अल्ट्रा में रखकर सेव कर देना है। अब आप लोगों ने करना है क्या, सीधा PS Touch ऐप में चले जाना है। यहाँ पर PS Touch ऐप में आ चुका, आप लोगों ने प्लस में आना है, फोटो लाइब्रेरी में आना है। सबसे पहले आप लोगों ने पिक ऐड करनी है, तो यहाँ पर पिक्चर वाला फोल्डर मैंने ढूंढ लिया और यहाँ पर मैं पिक ऐड कर लूँगा। पिक ऐड होगी, प्लस पे आना है, फिर प्लस में आना, फोटो लाइब्रेरी में है, फोटो लाइब्रेरी में आना है। सबसे पहले आप लोगों ने करना का पिक्सलैब वाला फोल्डर ढूंढ लेना है और अपना यहाँ पर नेम ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने नेम ऐड कर लिया, ठीक हो गया। नेम ऐड करने के बाद फिर आप लोगों ने करना क्या, इसकी 2 डुप्लीकेट कॉपी करनी। फर्स्ट फिल्टर को सिलेक्ट करना है, FX में आना है, बेसिक में रह के लाइटिंग में आना है, ये जो एरो है इसको बिल्कुल ऊपर ले जाना है, इसको फुल ब्लैक कर देना है और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से स्क्रीन कर देना है। फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, FX में आना है और शेडो में जो सेटिंग है वही रहने देनी और टेक ले करके इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मल्टी अप्लाई कर देना है। फिर थर्ड लेयर में आना है, FX में आना है और बेवल में आ जाना है और ब्लर 45 पर रखना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी 45 पर रखनी है। पहला एंगल 180 और जो दूसरा एंगल है ये कितना करना है, ये 45 होना चाहिए और जो तीसरा एंगल है ये कितना करना है, आप लोगों ने 135 पे करना है। फिर 2 लाइंस पे आना है, कर्व्स की जो सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी है। अच्छा जी, इतना हो जाने के बाद फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, पेंसिल मैंने सेलेक्ट पिक्सल कर देना है, फिर पेंसिल मैंने ट्रांसफार्म पे क्लिक करके एक्सपेंड पे आना है, इसको फोल्ड कर देना है, ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने करना है कि इसकी एम्प्टी लेयर ले लेनी है, एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना है, टाइप पे क्लिक करके स्ट्रोक ले लेनी है और इसकी विथ 4 पे रखनी है, ठीक हो गया। पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है, FX में आना है और बेवल में आ जाना है। ब्लर आप लोगों ने 15 करना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी आप लोगों ने 15 पे करनी है। पहला एंगल 180 और जो दूसरा एंगल है ये कितना करना है, 45 पे और जो तीसरा एंगल है ये कितना करना है, 135 पे होना चाहिए, ठीक हो गया। फिर 2 लाइंस पे आना है, कर्व्स की मदद लेके ही आप लोगों ने सेम सेटिंग अप्लाई कर लेनी है। FX में आके शेडो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जो मैंने ये वाली लाइन बनाई, ठीक है, आप लोगों ने डबल लाइन बनानी है, ठीक है, क्योंकि मैंने भाई डबल लाइन बना के आप लोगों को दिखाया है थंबनेल पे, तो एक लाइन का मैंने तरीका मतलब बता दिया, दूसरी लाइन भी बनाने का तरीका मतलब बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं दूसरी लाइन बनाना सिखाऊंगा नहीं। अब आप लोगों ने सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, इसको ऊपर कर देना है, इस वाली लेयर को ऊपर कर दिया, इसको सेलेक्ट करना है शेडो वाली, मैजिक वैन टूल सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। और कंटिन्यूस की टेक आनी चाहिए, 20:30 पे ही होनी चाहिए, हार्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एंड वाले ऑप्शन में आना है, ठीक हो गया, सॉरी यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट करना है, एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल्म स्ट्रोक में आना है, यहाँ पे आप लोगों ने फिल पे क्लिक करके यहाँ पे ये वाला मतलब है रेड कलर सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आना है और इस दफ़ा आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना है, मतलब आप कोई भी कलर रख सकते हो, ठीक हो गया। मैंने आप लोगों को तरीका मतलब जस्ट बताना है, तो यहाँ पे मैं येलो ले लेता हूँ, ले लिया। आप फिर H को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे कलर आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे येलो सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे आते हैं जी, यहाँ पे मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लूँगा, बाकी आप सारे वर्ड पे ये वाला कलर मतलब कर सकते हो इस तरीके से। बाकी लाइट लगाने का रेडी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में तरीका मतलब बताया हुआ है, आप वो भी यूज़ करना चाहो तो आप मेरा भाई कर सकते हो, ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक हो गया।
तो यहाँ पे जस्ट मैं कोई और कलर लगाऊंगा, यहाँ पे येलो लगा लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों का ग्लास वन रेडी है, आप लोगों ने डन पे क्लिक करके इसको सेव कर दें, शेयर पे क्लिक करके इसको सेव कर देना फ्रेंड। आज मेरी बस यही थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।